हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अभी व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आ गया जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, और बताऊँगा कि इस अपडेट के अंदर आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे बता दूँ कि ये जो नया अपडेट आया है ये काफ़ी काम का अपडेट होने वाला है, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना प्ले स्टोर में जाके, ताकि आपको भी ये जो नए फीचर आए व्हाट्सएप के, वो आपको भी इसमें यूज़ करने के लिए मिल जाए। तो इसमें कुछ चार नए अपडेट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो अपडेट है, जैसा कि आप खुद स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इसके अपडेट का, कि सबसे पहला जो अपडेट है वो आया है कि जैसे किसी का कोई मैसेज आता, अगर आप उसे उसका जो रिएक्शन देना चाहते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशन होते थे इमोजीज़ के, लेकिन अब वो सारे लिमिटेशन हटा दिए। अब आप चाहे जो इमोजी को यूज़ करके किसी भी मैसेज का रिएक्शन वापस सेंड कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब से सारी लिमिट हटा दिए और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट भी किए हैं। दूसरा अपडेट है कि इसके अंदर आपको जो ग्रुप बनाते थे आप व्हाट्सएप के अंदर, उसमें कुछ लिमिट होती थी, 250 मेंबर ही ऐड कर सकते थे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने कभी वैसे ग्रुप बनाया नहीं। लेकिन अब से ये जो मेंबर लिमिट है वो बढ़ाकर 512 मेंबर की कर दी गई, यानी कि अब से आप जब भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे या पुराना भी कोई ग्रुप है, तो उसमें आप 512 मेंबर्स या 512 कॉन्टैक्ट्स को एक साथ ऐड कर सकते हो एक ही ग्रुप के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा अपडेट है। और दोस्तों, अगला जो इम्प्रूवमेंट है या जो अपडेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब इस नए अपडेट के बाद आप अपने व्हाट्सएप से 2 GB तक की फाइल को भी सेंड कर सकते हो अपने किसी दोस्त को या ग्रुप को या जिसको भी आप सेंड करना चाहो व्हाट्सएप से। तो आप जब भी आप फाइल सेंड करोगे तो आप 2 GB तक की फाइल एक ही बार में सेंड कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया अपडेट है। अगला और चौथा और लास्ट का आखिरी अपडेट है, वो उसके अंदर है वीडियो कॉलिंग के अंदर। जब भी आप ग्रुप कॉल करते हो या फिर एक ही वीडियो कॉल में बहुत सारे लोगों को एक साथ कॉल करते हो, तो आप चाहो जिसे म्यूट कर सकते हो कॉलिंग के वक्त, या फिर उन्हें मैसेज भी कर सकते हो। बस आपको करना हो यह होगा कि जिसका वीडियो स्क्रीन है या जिसका भी छोटा सा टाइल आ रहा है वीडियो में, उसके ऊपर टैप करना होगा और उसके बाद आप उसे म्यूट कर सकते हो या फिर उसको मैसेज कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी काम का अपडेट है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप वीडियो कॉल करते हो बहुत सारे लोगों को, तो किसी न किसी वजह से या किसी की जो साउंड होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं आ रही होती है, या किसी तरह से आपको क्लियर नहीं आ पाती, तो आप चाहो तो उसे म्यूट भी कर सकते हो। तो ये जो भी चारों नए इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर नए वर्जन में, ये काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी काम के आने वाले हैं। इसमें से कुछ भी फालतू का एड ऑन या कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं की गई है, चारों चीज़ें इसमें काम की मिलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।